अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डाटा टाइप कौन सी हैं, सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का। तो आप आज जो है वो एक सबसीक्वेंट जो वीडियो है वो देखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सो अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल ही सिखाऊंगा। आप हम डेफ सी प्लस प्लस जो है उसके अंदर चले जाते हैं। हाँ जी, डेव में जब आ जाएंगे तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लेना है। तो अच्छी बात यही होती है कि आप सेव करें, जो मैं स्टेप बना रहा हूँ उसको आप देखें। वेरिएबल और इसके साथ मैं कुछ लिख लूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैंने इसको सेव कर लिया ताकि जो है वो मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इंक्लूड, पहले जो है वो हेडर फाइल लिखनी है, इंक्लूड stdio.h, और इसके बाद मैंने इंट मेन। अब जो है मैं इसकी बॉडी बनाऊंगा मेन की, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। इंट एक डाटा टाइप है, इसके साथ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया an। आप अच्छी बात है जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा यूज़ करेंगे दरमियान में, जैसे रेड नज़र आ रहा है। नाम कोशिश करें कोई अच्छा रखें, वेरिएबल का कोई नाम सुटेबल होना चाहिए, शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव नाम हो यूज़ करें। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ, दो स्लैश लगाइए, ये सिंगल लाइन कमेंट करने का तरीका है। ये कमेंट क्या होते हैं, कमेंट कंपाइलर इग्नोर कर देता है। डेव अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो में जाके उसके लिंक ले सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि डेव जो है वो कंपाइलर है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स देखना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, डाटा टाइप। डेटा टाइप के बाद जो है वो हमने वेरिएबल का नेम, वेरिएबल के नाम के बाद सेमीकॉलन यूज़ करते हैं। इसी तरह ही जो वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसके नाम के अंदर स्पेस नहीं आती। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है जस्ट लाइक माई कार, तो आप इस तरह बनाएं बजाय इसके के कार इस तरह स्पेस लिख दें, तो ये सिंटैक्स एरर है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना क्या होता है, स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप एंड द वेरिएबल नेम इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। मैं आपको एक और डाटा टाइप फ्लोट, अगर आप इशारिया की वैल्यू का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो FF मैंने वेरिएबल का नाम रखा और ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह लॉन्ग एक डाटा टाइप है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लाइट। लाइट एक वेरिएबल है लेकिन उसकी डाटा टाइप। तो ये जो सारी लाइनें मैं लिखता जा रहा हूँ ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम लाइट है। और इसी तरह FF एक वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल डिक्लेयर करने की डेफिनेशन मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले हम डाटा टाइप का नाम बताते हैं फिर वेरिएबल का नाम बताते हैं। तो स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप नेम एंड वेरिएबल नेम इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम नेक्स्ट फेज़ के ऊपर जाते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियल करने का मतलब होता है कि उसको फर्स्ट वैल्यू देना। तो असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता हो, इक्वल साइन जो हम जिसे मैथ में हम इक्वल बोलते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसके यूज से हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10 और इसी तरह एन इज़ इक्वल टू 5 और 4। तो ये वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिए हैं, 10 जो है वो असाइन हो जाएगा ए को। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वो वेरिएबल होता है जिसको वैल्यू असाइन की जाती है, इसी तरह ही राइट साइड पे वो वैल्यू होती है जो कि हम असाइन कर रहे हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं, नम इज़ इक्वल टू ए, तो अब क्या होगा कि ए की जो वैल्यू है वो नम को मिल जाएगी। अब हमने अगर चेक करना है, प्रिंट करके देखना है, प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम
फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे परसेंटेज डी, और फिर उसके बाद इंट के लिए परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, और लॉन्ग के लिए भी हम परसेंटेज डी यूज़ कर सकते हैं, करेक्टर के लिए परसेंटेज सी। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, ये मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे अब हमने वेरिएबल का नाम ए लिख देना है और लास्ट पे सेमी कॉलन। तो दिस इज़ इट वेरिएबल, ये जो लाइन है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है, दिस वन इज़ अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दिस वन इज़ अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये अब आपके सामने अगर कोई सिंटैक्स एरर हुआ, देखें 10 उसने डिस्प्ले कर दिया, हमने किसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई है, ए की। तो इसी तरह हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका यूज़ करना होगा। तो अब ये वेरिएबल डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना आपको आ जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के रिलेटेड। गुड लक।